द्वारा मिशन शिक्षण संवाद पढ़ाई से प्रतियोगिता तक जूनियर स्तर विज्ञान की क्लास में। तो बच्चों, जीवित रहने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? भोजन, वायु, जल। जी, बहुत सुंदर। तो बच्चों, जीवित रहने के लिए भोजन, वायु, जल की आवश्यकता होती है। तो क्या आप बता सकते हैं, जब भोजन, वायु, जल हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये किस प्रकार से कार्य करता है? नहीं? तो आज की क्लास में हम पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के विषय में जानेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पाचन किसे कहते हैं। पाचन, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं बच्चों, वो जटिल रूप में होता है। मीन जटिल अणुओं को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्योंकि आप देखेंगे, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उस भोजन को सिंपल मॉलिक्यूल्स में बनाने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है और क्या छोड़ता है? एंजाइम और अम्ल को वो स्रावित करता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स होती है वो एंजाइम और अम्ल को छोड़ती है, जिसके द्वारा पाचन क्रिया पूर्ण होती है। और उसके बाद बच्चों, जब ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है, उसके बाद ही जो हमारे शरीर किससे मिलकर बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। जब तक सिंपल मॉलिक्यूल्स में हमारा भोजन नहीं बदलेगा, तब तक हमारी कोशिकाओं को वो नहीं मिल पाएगा। अब बात करते हैं हम तंत्र की। किसकी? तंत्र किसे कहते हैं? तो पाचन क्रिया को पूर्ण करने के लिए जो जो अंग अपना सहयोग प्रदान करते हैं, उन सभी अंगों को मिलाकर एक तंत्र का निर्माण होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उनमें कौन कौन से पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण के साथ साथ जल भी उपस्थित होता है। तो बच्चों, जब पाचन क्रिया होती है तो इस पाचन क्रिया में विटामिन, खनिज लवण और जल सिंपल मॉलिक्यूल्स में नहीं बदलते हैं। क्यों नहीं बदलते हैं? क्योंकि बच्चों, ये ऑलरेडी ही सिंपल मॉलिक्यूल्स में होते हैं और इनको डायरेक्टली सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब बचे हमारे कौन से तीन पोषक पदार्थ, वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। पाचन क्रिया जब होती है बच्चों, तो उस क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है और वसा वसी अम्ल में, और प्रोटीन बच्चों अमीनो अम्ल में बदलती है। तो बच्चों, बात करते हैं अब पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला भाग कहलाता है आहार नाल, मींस एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, मीन सहायक पाचक ग्रंथियां। हम देखेंगे बच्चों, जो आहार नाल होती है वो मुख से शुरू होकर और कहां पर खत्म होती है? गुदा वाले भाग पर खत्म होती है। अब इस आहार नाल की लंबाई, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इस आहार नाल की लंबाई जो होती है बच्चों, वो 9 मीटर। अगर हम फुट में बात करें तो इसकी लंबाई जो होती है वो 32 फुट होती है। कहने का मीन है, यदि हम 3 मंजे इमारत की ऊंचाई को देखें तो उस ऊंचाई के बराबर हमारी एलिमेंट्री कैनाल की कुल लंबाई होती है। ये बात क्लियर हुई? अब इस आहार नाल के कितने भाग होते हैं, तो हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे किसकी? मुख की। और उसके बाद मुख गुहा, मुख के अंदर क्या होता है? मुख गुहा होती है। और मुख गुहा के बाद क्या होता है बच्चों? ये ईसोफेगस, जिसे क्या कहते हैं? ग्रास नली। उसके बाद आमाशय, आमाशय के बाद हम देखेंगे ये क्या है? छोटी आंत। ये क्या है? बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद अगला भाग जो है उसे हम क्या कहते हैं? गुदा। अब साइड साइड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ ग्रंथियां भी है, जो कि हमारी मुख में ही उपस्थित है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड। और दूसरी ग्रंथि हमारी कौन सी है, जो हमारे आमाशय में उपस्थित है? मीन जठर ग्रंथि। तीसरी हमारी लिवर, चौथी हमारी पैंक्रियास, और यहाँ लिवर के नीचे आप देखेंगे एक और संरचना होती है, जिसे कि हम गॉल ब्लैडर, मीन पित्ताशय कहते हैं।
और इसके साथ साथ बच्चों अब हमारी एक ग्रंथि और बचती है, वो ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होती है? आंत में, जिसे कि हम इंटेस्टिनल ग्लैंड भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, आइए अब चलते हैं, ये जानते हैं कि ये पाचन क्रिया किस प्रकार से पूर्ण होती है। चलिए यहाँ पर हम इन शॉर्ट बताते हैं कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो भोजन हमारे मुख गुहा से होकर कहाँ चला जाता है? ग्रास नली में। ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के आखिरी क्या है? नीचे गुदा, और गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों पाचन क्रिया की शुरुआत कैसे होती है? तो पाचन क्रिया की शुरुआत मुख से ही शुरू होती है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं कहाँ से ग्रहण करते हैं? मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, और मुख के बाद वो कहाँ चला जाता है? मुख गुहा में चला जाता है। हमारे जो दांत होते हैं बच्चों, वो भोजन को छोटे छोटे कणों में विखंडित कर देते हैं, और वो विखंडित कण लार ग्रंथि के द्वारा श्रावित लार के साथ मिलकर कैसा हो जाता है? नरम हो जाता है। और बच्चों हम मुख की बात करें, जैसा कि आपको भी बताया, मुख में तीन जोड़ी स्लाइवरी ग्लैंड होती है, जिसमें पहली ग्लैंड जो होती है उसे हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरी होती है सब लिंगुअल ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है बच्चों, इसका जो आकार होता है इन दोनों ग्लैंड की अपेक्षा कैसा होता है? बड़ा। और सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है? आप यहाँ स्वयं देख पा रहे होंगे, सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? सब लिंगुअल ग्लैंड। अगर आप पूरे दिन की बात करें बच्चों, तो पूरे दिन में हमारे मुख से कुल 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। कितने लीटर? 1.5 लीटर हमारे मुख से डेली लार निकलती है, और ये लार हमारे भोजन को कैसा करती है? नरम बनाती है। साथ ही साथ बच्चों लार भोजन में उपस्थित जो भी जीवाणु होते हैं उनको क्या कर देती है? मार देती है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब होते हैं तो जब घुटने के बल चलते हैं तो उन्हें जो भी चीज मिलती है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? उठा के अपने मुंह में दे देते हैं, और जब वो मुंह में देंगे तो क्या होगा? उनके मुंह में क्या होगा? संक्रमण होगा। और वो गंदी चीज जब मुंह में जाती है तो वो जो जीवाणु होते हैं वो हमारे मुंह के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जो हमारा ऊपर जो ईश्वर बैठा है ना, वो बड़ा ही कंप्यूटर है, उसका माइंड था, उसने एक बहुत अच्छी एक व्यवस्था की है। वो कहाँ की है? हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर की है। और क्या बनाया है अंदर? वो ग्लैंड्स बनाई है जो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। आपने मजदूर को देखा होगा, मजदूर जब कोई भी चीज खाता है तो क्या किया उसने? जीरे से हाथ को झाड़ा, झाड़ा पोंछा और उस चीज को खा लिया, तो क्या हुआ? संक्रमण उसके मुख के अंदर पहुंचा। मैंने आपको अभी बताया कि स्लाइवरी ग्लैंड से एंजाइम का स्राव होता है। कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं? कुल 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिसमें पहला प्रकार है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम मुख में ही जब कोई भी संक्रमित चीज का सेवन हम करते हैं तो लाइसोजाइम उस बैक्टीरिया को मार गिराता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया बड़े ही कैसे होते हैं? बड़े ही शेरखा टाइप के होते हैं, और वो बचते बचाते हुए मुख गुहा से ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन यहाँ भी उस ईश्वर ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है, उस व्यवस्था को हम आगे चलकर बताएंगे, आप देखेंगे। अब बात करते हैं बच्चों हम टाइरिन की। किसकी? टाइरिन की। टाइरिन एंजाइम भोजन में मौजूद क्या स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। अब आप यहाँ कहेंगे कि आखिर स्टार्च किसे कहते हैं? तो बच्चों स्टार्च आप देखेंगे, जो अनाज हम खाते हैं उस अनाज के ऊपर जो छिलका होता है उससे क्या कहते हैं? चोकर। जब उससे आटा बनता है, जब आप आटा छानेंगे तो क्या निकलता है उसमें? चोकर। उसी चोकर को हम मंड मीन्स स्टार्च कहते हैं। तो उस स्टार्च को जो टाइलिन है वो किसमें बदल देता है? माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन करता है। और उसके बाद एक और एंजाइम
होता है जिसे हम डाइस्टेज कहते हैं। तो डाइस्टेज बच्चों ये भी इसी की तरह से स्टार्च का पाचन करता है। बच्चों म्यूकस, अब म्यूकस क्या काम करता है? म्यूकस एक चिपचिपे पदार्थ का स्राव करता है और ये चिपचिपा पदार्थ भोजन को अंदर जाने के लिए क्या करता है? एक सहायता प्रदान करता है। आप भोजन के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उस टुकड़ों की सीधे से फंकी लगा लीजिए, या वो फंकी लगाए हुए भोजन के कण आपके सीधे मुख गुहा के अंदर होते हुए ग्रास नली से अंदर चले जाएंगे? नहीं ना। उनको अंदर जाने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता है? एक चिपचिपे पदार्थ मीन्स एक लार की आवश्यकता है। तो उस लार का श्राप भी कहां पर होता है? इस म्यूकस के द्वारा। अब जब बोलस है, जब बोलस बच्चों अब कहां जाएगा? ग्रास नली में। तो आइए जानते हैं ग्रास नली के विषय में। नली एक पतली नली होती है जिसकी कुल लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और ये जो ग्रास नली है आप यहाँ देखेंगे ये किसमें खुल रही है? आमाशय में। कहाँ खुल रही है? आमाशय में खुल रही है। और ये बोलस को आमाशय तक पहुंचाने के लिए एक क्या प्रदान करती है? एक वे प्रदान करती है, मीन्स एक रास्ता प्रदान करती है। लेकिन बच्चों इसमें पाचन की क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती है। आप प्रश्न आए कि पाचन की क्रिया क्या ग्रास नली में होती है? बिल्कुल भी नहीं, पाचन की क्रिया ग्रास नली में नहीं होती है। अब ये बोलस है बच्चों, ये कौन सी गति के द्वारा आमाशय में जाएगा? क्योंकि ये नली कैसी है? बिल्कुल वर्टिकल है। अगर ये वर्टिकल है तो आपने देखा होगा छत का पानी पाइप के सहारे सीधे कैसे आता है? धड़ 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 की आवाज करते हुए नीचे गिरता है। तो हमारे बोलस है तो बोलस भी इसी तरीके से आमाशय में गिरेंगे सीधे डायरेक्टली, तो क्या होगा? कोई आमाशय को चोट भी लग सकती है। तो यहाँ भी उस ऊपर वाले ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है। क्या किया कि जो ग्रास नली होती है ये क्रमान कुचन गति के द्वारा बोलस को आगे भेजने का काम करती है। अब यहाँ आप कहेंगे कि ये क्रमान कुचन गति क्या होती है? तो यहाँ आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं, जब पेस्ट में हमारा लिक्विड खत्म हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं? पहले यहाँ से पिचकाएंगे थोड़ा सा, फिर यहाँ से पिचकाएंगे, फिर यहाँ से पिचकाएंगे और फिर वो पेस्ट हमारा धीरे से बाहर निकल आता है। तो सेम इसी की तरीके से हमारे बोलस के जो बोलस होता है बच्चों वो आमाशय तक पहुंचने का कार्य करता है। अब बोलस हमारा कहाँ पहुंच गया? आमाशय के अंदर पहुंच गया। अब आमाशय में भी क्या होता है आइए इस विषय में भी आपको बताते हैं। आमाशय आहार नली का थैली नुमा एक चौड़ा भाग होता है जिसमें भोजन कुल 4 घंटे तक रहता है। भोजन सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? तो आमाशय के अंदर ही रहता है। अब जो भोजन है बच्चों वो कहाँ पर आया? आमाशय पर आया। लेकिन आमाशय में भी जैसा कि आपको अभी बताया था कि कुछ जीवाणु कैसे होते हैं भोजन में? शेरखा टाइप के होते हैं, वो छुपते छुपाते हुए ग्रास नली से होते हुए आगे के अंगों में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ भी बच्चों क्या होता है? एक कार्डियक पार्ट होता है। आमाशय के कुल कितने भाग होते हैं? 3 पार्ट होते हैं जिसमें पहला पार्ट होता है कार्डियक पार्ट, दूसरा होता है फंडिक पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है? फंडिक पार्ट। और ये तीसरा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक पार्ट। जो पाइलोरिक पार्ट है बच्चों ये यही पार्ट हमारा छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर बात कर रहे थे हम किसकी? कार्डियक पार्ट की। इसको कार्डियक पार्ट क्यों कहते हैं? इसको कार्डियक पार्ट इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि ये भाग जो है यहाँ पर हृदय यहीं पर होता है। कहाँ पर होता है? हृदय यहीं पर होता है, इसीलिए इसको कार्डियक पार्ट कहते हैं। अब यहाँ पर जो जीवाणु छुपते छुपाते आए थे तो यहाँ पर जो कार्डियक पार्ट है ये किसका स्राव करता है? HCl। किसका? HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है और वो इंतजार करता है कि जल्दी से आओ आओ हम तुमको देखेंगे। और वो यहाँ से तुरंत क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है और झट से उन जीवाणुओं को यहाँ पर मार गिरा देता है। अब यहाँ जीवाणु खत्म हो गए। उसके बाद जो बोलस है वो कहाँ पर आएगा? फंडिक पार्ट में आएगा और फंडिक पार्ट में 4 घंटे तक भोजन रेस्ट करता है। अब
इसमें बच्चों एक कांटेदार संरचना होगी, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से यहाँ पर ये कांटे नुमा संरचना फंडे पार्ट में होती है। ये भोजन को रोक कर रखती है, क्योंकि ये संरचना अगर नहीं होगी तो भोजन सीधे कहाँ पर आ जाएगा, हमारे पाइलोरिक पार्ट में आ जाएगा। आपने देखा होगा जब हम उपवास रखते हैं तो क्या होता है, जब बहुत देर तक भोजन नहीं करते हैं तो हमारे पेट में दुखन होने लगती है। क्या होने लगती है? दुखन। वो दुखन किसकी वजह से होती है? क्योंकि इसमें जो कांटेदार संरचना होती है ये क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रूगे कहते हैं। क्या कहते हैं? रूगे। इसी रूगे की वजह से हमारे पेट में क्या होती है, चुभन होती है। अब इसके बाद बच्चे जो गोलस है वो कहां पर आ गया, हमारा पाइलोरिक पार्ट में, मीन्स छोटी आंत में पहुंचने के लिए वो आगे की तरफ बढ़ गया। बच्चों पाइलोरिक पार्ट में जठर ग्रंथि मींस गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जिससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, पहला पेप्सिन जो कि प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है, दूसरा रेनिन जो दूध को दही में बदलता है। बच्चों छोटे बच्चों में रेनिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्रिया के संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत की बात करें बच्चों तो इसकी कुल लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर। अगर हम फुट की बात करें तो इसकी लंबाई 20 या 30 फीट होती है, और आहार नाल की कुल लंबाई कितनी है, 32 फुट। जो 32 फुट में जो 30 फुट की 20 से 30 फुट की जगह है वो कौन घेरे हुए है, हमारी छोटी आंत। और ये बिल्कुल ऐसे मुड़ी हुई संकुचित होके हमारे कहाँ पड़ी रहती है, डाइजेस्टिव पार्ट में पड़ी होती है। और बच्चों छोटी आंत को यदि हम बताएं तो छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, कुल 3 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम। कौन सा पार्ट होता है, ड्यूडेनम। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, ड्यूडेनम, जो कि आमाशय के किससे जुड़ा हुआ है, पाइलोरिक पार्ट से जुड़ा हुआ है। दूसरा पार्ट होता है बच्चों जेजुनम। कौन सा होता है, जेजुनम। और अगला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, इलियम। ड्यूडेनम और जेजुनम और इलियम, ये इनका क्या रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, आइए ये भी बताते हैं। ड्यूडेनम जो होता है बच्चों वो यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप यहाँ स्वयं देखेंगे ये कैसा स्ट्रक्चर है, जस्ट एक यू लाइक स्ट्रक्चर है। और ये ही यू लाइक स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो हमारे लिवर, आप यहाँ देख रहे होंगे लिवर और अग्नाशय, जिसे कि हम क्या कहते हैं, पैनक्रियास, इन दोनों में ये पार्ट हमारा खुलता है, क्योंकि इसी पार्ट के द्वारा एंजाइम छोटी आंत में छोड़े जाते हैं। किसके लिए, पाचन क्रिया के लिए। और दूसरा पार्ट जो हम बात कर रहे थे किसकी, जेजुनम की। इस यू पार्ट के बाद अगला पार्ट जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, जेजुनम कहते हैं। जो भोजन को, जेजुनम जो होता है बच्चों वो भोजन को सबसे निचला भाग, जिसे कि हम क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं, उस इलियम वाले पार्ट में भेजने का कार्य करता है। अब बात करें तो बच्चों छोटी आंत में भोजन का पाचन संपन्न होने के बाद, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हुआ, पाचन की क्रिया पूर्ण हुई, और उस क्रिया के पूर्ण होने के बाद भोज्य पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आया होगा आपके दिमाग में कि आखिर इस डाइजेस्टिव सिस्टम में इन जो हमने ग्लैंड्स देखी थी उन ग्लैंड का क्या रोल है। लिवर मींस यकृत, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन, लिवर। जो लिवर होता है बच्चों पित्त रस का स्राव करता है, पित्त रस मींस बाइल जूस, जो वसा के पाचन में सहायक होता है। साथ ही साथ बच्चों लिवर रक्त में शर्करा के स्तर को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर में लिवर के द्वारा श्रावित पित्त एकत्रित होता है। और बच्चों ये गॉल ब्लैडर जो होता है वो एक नाशपाती के आकार की थैली नुमा संरचना होती है, और इसी
मैनी इस थैली मैनी पित्त जमा होता है। पित्त जिसका कि पीएच मान कुल कितना होता है 7.7 होता है। और ये जो पित्त है बच्चों ये भोजन के माध्यम को कैसा बनाता है, क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। अब हमने आपको बताया था छोटी आंत के विषय में, तो छोटी आंत में जब भोजन जब पहुंचता है बच्चों तो छोटी आंत के भी एक अपने नखरे होते हैं। वो ये कहती है कि हम अम्लीय भोजन को नहीं लेंगे। भोजन कैसा होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। तो उस क्षारीय भोजन को बनाने के लिए लिवर जो होता है वो पित्त रस का उत्पादन करता है। साथ ही जो अग्नाशय होता है बच्चों वो भी एंजाइम को छोड़ता है, जिससे भोजन का माध्यम अम्लीय से कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। अब बच्चों अगली ग्लैंड की बात करते हैं, जिसे कि हम अग्नाशय मींस पैंक्रियास कहते हैं। पैंक्रियास से भी बच्चों एंजाइम का स्राव निकलता है। पैंक्रियास से एक रस का स्राव निकलता है जिसे कि हम अग्नाशयी रस मींस पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। ये बच्चों पूर्ण पाचक रस होता है। पूर्ण पाचक क्यों होता है, क्योंकि ये बच्चों भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा इन तीनों का पाचन करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पैंक्रियाटिक जूस जो निकलता है उसका माध्यम कैसा होता है, क्षारीय, जिसका पीएच मान 7.8 से 8.3 तक। अब पैंक्रियाटिक जूस में बच्चों 3 टाइप के एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम लाइपेज, दूसरा एमाइलेज और तीसरा ट्रिप्सिन। इसे याद करने की सिंपल सी एक छोटी सी टेक्निक है, उसे हम क्या कहेंगे, लैट, LAT। L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज और T फॉर ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है बच्चों, लाइपेज जो होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदलता है और ट्रिप्सिन वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। और इस बदलने के कारण कोशिका तक बच्चों हमारा भोजन जब पहुंचता है तो टोटली सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल चुका होता है। बच्चों छोटी आंत से होता हुआ भोजन, जब छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो गया उसके बाद भोजन कहाँ पर आएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में बच्चों भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है और जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों का यहाँ पर क्या होता है, संग्रह होता है। क्या होता है, संग्रह होता है। बड़ी आंत के भी बच्चों 3 पार्ट होते हैं, आप यहाँ देखेंगे। पहला पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, सीकम। दूसरा पार्ट कोलोन और तीसरा पार्ट क्या है बच्चों, रेक्टम। अगर हम कोलोन पार्ट की बात करें तो बच्चों कोलोन पार्ट को हम यहाँ देखेंगे। ये कोलोन पार्ट के भी 3 पार्ट्स हैं, आप यहाँ स्वयं देखेंगे। पहला है असेंडिंग पार्ट मीन असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग क्या है, कोलोन क्यों, क्योंकि ये खड़ा हुआ है। दूसरा है ट्रांसवर्स कोलोन और तीसरा है हमारा डिसेंडिंग कोलोन। तो बड़ी आंत के कुल कितने भाग, 3 पार्ट। अब छोटी आंत के बाद भोजन बच्चों जब सीकम के रास्ते बड़ी आंत में जब प्रवेश करता है तो अनपचा भोजन जाकर कहां से होता हुआ, असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन और फिर डिसेंडिंग कोलोन के द्वारा इसमें जाके एकत्रित हो जाता है भाई हमारे मलाशय मींस रेक्टम में एकत्रित हो जाता है। और रेक्टम में एकत्रित भोजन फिर अंत में क्या है, एनस मींस गुदा, और उस गुदा के माध्यम से भोजन हमारा बाहर निकाल दिया जाता है। और इस प्रकार से बच्चों हमारी पाचन क्रिया पूर्ण होती है। जानते हैं श्वसन तंत्र मींस रेस्पिरेटरी सिस्टम के विषय में, तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के अणु का ऑक्सीकरण मींस ऑक्सीडेशन होता है और जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आखिर ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो आप बच्चों जानते हैं कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जो भी भोज्य पदार्थों का
सेवन करते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स सिंपल मॉलिक्यूल में टूट कर सेल द्वारा एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाते हैं। यहां पर बच्चों सिंपल मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ऑक्सीडेशन नहीं होगा तब तक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। आइए इस प्रोसेस को इस इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर एक ग्लूकोज है बच्चों, ग्लूकोज ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर रहा है, जिससे क्या उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। आइए जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स के विषय में। तो बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बना है, जिसमें पहले पार्ट को हम अपर पार्ट कहते हैं, जिसमें नोज एंड नेजल कैविटी, देन फेरिंग्स और उसके बाद लैरिंग्स मिलकर अपर पार्ट का निर्माण करते हैं। आइए अब जानते हैं लोअर पार्ट के विषय में। तो बच्चों लोअर पार्ट की बात करें तो आप देखेंगे लोअर पार्ट में एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे कि हम ट्रैकिया मीन श्वास नली कहते हैं। ये ट्रैकिया बच्चों आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम श्वसनी मीन्स ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई बच्चों लंग्स में जाकर खुलती हैं और ये यही ब्रोंकाई बच्चों लंग्स में जाकर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें कि हम श्वास शाखाएं मीन्स ब्रोंकियोल्स कहते हैं। इन्हीं ब्रोंकियोल्स के ऊपर की तरफ बच्चों ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे कि हम एल्वियोलाए कहते हैं। इन्हीं एल्वियोलाए में बच्चों गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये था बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स के विषय में। आइए जानते हैं कुछ और अंदर के विषय में। आइए जानते हैं इनके पार्ट्स के विषय में। तो नोज एंड नेजल कैविटी की बात करें तो बच्चों नासिका हमारे ऊपर वाले श्वसन तंत्र का एक भाग होती है, जो कि डायरेक्टली आउटर एटमोस्फियर से जुड़ी होती है। नोज के बाहर की तरफ 2 छिद्र दिखाई देते हैं, जिसे कि हम नासिका छिद्र कहते हैं। यह अंदर से बच्चों नेजल कैविटी से जुड़े रहते हैं। नोज के अंदर बच्चों गोब्लेट सेल पाई जाती हैं, गोब्लेट सेल जो कि म्यूकस का निर्माण करती हैं। म्यूकस, जैसा कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं, म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है। इस चिपचिपे पदार्थ की वजह से बच्चों एयर के थ्रू जो भी बैक्टीरिया हमारी नोज में एंटर करते हैं वो वहीं पर चिपक जाते हैं। तो इट मीन्स बच्चों म्यूकस का जो कार्य है वो सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने का होता है, जो हवा के द्वारा हमारी नोज में एंटर करते हैं। फेरिंग्स बच्चों मीन्स ग्रसनी, ग्रसनी नासिका से हवा को लेकर लैरिंग्स मेन स्वर यंत्र तक जाती है, जिसकी लंबाई, फेरिंग्स की कुल लंबाई की बात करें बच्चों तो इसकी कुल लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर तक होती है। स्वर यंत्र मीन्स लैरिंग्स क्या होता है बच्चों, लैरिंग्स के ऊपर एक एपिग्लोटिस पाया जाता है। जब भोजन अंदर जाता है तो ये विंड पाइप मीन्स हवा के पाइप को बंद कर देता है, और बच्चों जब एयर अंदर जाती है तो ये फूड पाइप को बंद कर देता है। कहने का मीन है ये एपिग्लोटिस जो होता है बच्चों, ये फूड पाइप और विंड पाइप को एक साथ ओपन नहीं होने देता, क्योंकि भोजन को ग्रहण करने का कार्य और वायु को ग्रहण करने का कार्य एक साथ नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप देखा होगा आपने, जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो उस दौरान आप सांस नहीं लेते, और जब आप सांस लेते हैं तो क्या आप उस दौरान भोजन ग्रहण करते हैं? तो ये दोनों कार्य इस एपिग्लोटिस के माध्यम से एक साथ नहीं होने पाते। ट्रेकिया बच्चों लोअर पार्ट है, तो लोअर पार्ट्स में जैसा कि हमने जाना कि ट्रेकिया पार्ट होता है
जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मीन श्वास नली ऊपर यंत्र से जुड़ी होती है। आप देखेंगे कि जो जो ट्रेकिया है बच्चों, ये ऊपर की तरफ किससे जुड़ी हुई है, लैरिंग्स से जुड़ी हुई है। ऊपर की तरफ क्या है, एक आपको लैरिंग्स स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और नीचे की तरफ ट्रेकिया मींस जिसे कि हम श्वास नली कहते हैं। और ये जो लैरिंग ट्रेकिया है बच्चों, ये आगे जाकर फेफड़ों से जुड़ी होती है। किसके माध्यम से, ब्रोंकाई के माध्यम से। ट्रेकिया पर बच्चों सी आकृति के कार्टिलेज होते हैं। और यदि ट्रेकिया की कुल लेंथ की बात करें तो इसकी कुल लेंथ 12 सेंटीमीटर होती है। ब्रोंकाई बच्चों, जो कि ट्रेकिया आगे जाके टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, जिसे कि हम ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई फेफड़ों तक पहुंचती है और ये शाखाओं में विभाजित हो जाती है, शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे कि हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। इन्हीं ब्रोंकियोल्स के आगे की तरफ बच्चों ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, जिन्हें कि हम एल्वियोलाई कहते हैं, मींस वायु कूपिकाएं कहते हैं। इन्हीं पर बच्चों गैसों का आदान प्रदान होता है। तो बच्चों लंग्स जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। ये पेयर में पाए जाते हैं, आप देखेंगे कि ये पेयर में पाए जाते हैं। और बच्चों ये शंकु के आकार के होते हैं। दाएं फेफड़े का वजन 6 to 5 ग्राम होता है, मीन 625 ग्राम होता है, और बाएं फेफड़े का वजन 575 है। आखिर बच्चों रेस्पिरेटरी प्रोसेस किस प्रकार से होता है, तो जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े फैलते हैं। जैसे ही अंदर की तरफ लेंगे तो फेफड़े स्वेल कर जाते हैं और हवा अंदर चली जाती है। तो सांस अंदर जाने की प्रक्रिया को हम अंतः श्वसन मींस इनहेलिंग कहते हैं। और इसी इनहेलिंग के दौरान बच्चों जो डायफ्राम, जो नीचे की तरफ फेफड़े के नीचे एक डायफ्राम होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ सिकुड़ जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो फेफड़े सिकुड़ते हैं, और उस सिकुड़ने की वजह से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकलती है। तो आपने देखा बच्चों कि श्वसन क्रिया में डायफ्राम हवा को अंदर और बाहर खींचने में मदद करता है। जब यह सिकुड़ता है तो यह फेफड़ों में जगह बनाता है, जिससे हवा अंदर की तरफ आती है। और जब यह रिलैक्स होता है तो अब यह ऊपर की तरफ उठता है, क्योंकि जब यह सांस बाहर छोड़ेगा तो यह क्या करेगा, क्योंकि अभी तो इसकी पोजीशन कैसी है, नीचे की तरफ है, अब इसको सांस छोड़नी है तो डायफ्राम ऊपर की तरफ ठक्का मारेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल फेंकेगा। तो बच्चों ये डायफ्राम इस प्रकार से श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के विषय में जाना। तो अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कविता सिंह, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय भूपालपुर निधौली कला जनपद एटा की तरफ से, मिशन शिक्षण संवाद टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ।